और नेक्स्ट और आंसर देते जाओ। मुकेश शो द कॉपी, अप्रोच शुड बी क्लियर, राइट। गुड, वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन। राइट कमलेश, करेक्ट करेक्ट, ओनली पीयूष करेक्ट, सज्जीत आई होप सो रहोगे, यहां तक आप करोगे, सुमित करेक्ट, चलो बिल्कुल ठीक है। देखिए हाँ, दोनों अप्रोच कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। चलिए सबसे फर्स्ट टॉक ये है, देखो इस प्रॉब्लम में थोड़ा 5 मिनट्स में देख लो। R1, R2 और RE बताना था, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, VCC पता है, VCE पता है, IC पता है, RC पता है, बीटा पता है, फाइन। तो फर्स्ट टॉक IC अगर पता है, बीटा 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 50 है, एग्जैक्ट अप्रोच शुड बी देयर, बीटा का मान 100 से कम है, राइट। तो यहां IC होगी करंट, यहां एमीटर करंट होगी, एमीटर करंट को हम क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस बीटा या IC प्लस IB। अगर इसका इक्विवेलेंट बनाएं तो इसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसा बनना चाहिए। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं नीचे तो इसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहां पर से दिस इज 18 वोल्ट, क्या यहां एक बेस रजिस्टर आ जाएगा आरबी, दैट इज आरटीएच, यहां वीटीएच, ये ग्राउंड, राइट। अब देखो जो भी अपने पास एनालिसिस वर्जन है, एग्जैक्ट एनालिसिस के लिए सबसे पहले बेस करंट पता करोगे, और बेस करंट का मतलब आईसी अपॉन बीटा। IC का मान 2.3 मिली एम्पियर अपॉन बीटा 50, यस रोन करेक्ट, 0.046 मिली एम्पियर, दैट इज फाइन, बेस करंट। अब बेस करंट अगर हमें पता चल चुकी है तो क्या इनपुट और आउटपुट दोनों हमारे पास वर्जन है। देखो इधर बेस करंट के बाद, मेरी बात समझना स्टूडेंट्स, मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि इस साइड केवीएल लगा दिया जाए, आईसी पता है, बेस करंट पता है, तो क्या आई पता चल जाएगा। आई का मतलब यू कैन से एमीटर करंट इज नथिंग बट बेस प्लस कलेक्टर, बेस करंट इज 0.046 प्लस कलेक्टर करंट 2.3 ओनली, सो योर आंसर शुड बी 2.346 मिली एम्पियर। अब आप यहां अगर केवीएल लगाएं स्टूडेंट्स तो बताओ कैन आई से अप्लाई केवीएल इन आउटपुट लूप, अप्लाई केवीएल इन आउटपुट लूप, राइट। तो क्या आर ही नहीं पता चल जाएगा, 18 बराबर आईसीआरसी प्लस वीसी प्लस आई इंटू आर ई, वैल्यू पुट कर दो तो 18 बराबर आईसी कितना था, आईसी इज नथिंग बट 2.3 इंटू 3.3, वीसी 8.2 है शायद, यस। एमीटर करंट कितनी है, 2.346 इंटू आर ई,
तो यहां से आपके पास आर ई का मान आ जाएगा 18 माइनस 2.3 इंटू 3.3 माइनस का 8.2 डिवाइडेड बाई 2.346। आर ई सभी ने रिप्लाई किया 942, राइट। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, हाँ मिली है वो स्टूडेंट्स, ऊपर जाकर किलो हो जा रहा है 10^-3 मान लो, राइट, ओम में आ रहा था ये 94, नहीं तो 0.942 किलो ओम लिख लेना, एक ही बात। दिस इज एमीटर रेजिस्टेंस, आर वन आर टू इज रॉन्ग, ठीक है, आर ही तक ठीक है। अब इसके बाद पहले यहां तक लिख लो। अब देखो इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा टर्म आपको दिया हुआ है, दैट इज स्टेबिलिटी फैक्टर, दैट इज नथिंग बट स्टेबिलिटी फैक्टर। देखो स्टेबिलिटी फैक्टर की अगर मैं बात करूं, एक मिनट स्टूडेंट्स, किसी को लिखने में तो कोई इश्यू नहीं है कि नहीं लिख पाए आप लोग? देखो बेसिक बातें हैं, कल वाली न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, आईसी पता है, आई पता चल चुका है, तो अब आप केवीएल लगा सकते हो, और कल टाइम दिया था तो इसका मतलब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, फाइन, ठीक है। और अगर नहीं लिख पाए यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑनली। चलो नहीं, यहां तक तो आपको खुद कर ही लेना था। अब देखो बाकी भी कुछ नया नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वेरी सिंपल बिट। स्टेबिलिटी फैक्टर का फार्मूला कल आपने देखा था, वन प्लस बीटा अपॉन 1+β इंटू आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई। ये याद होगा आपको कैसे आया, ड्राइव कर चुका हूं पोटेंशियल डिवाइडर में। अब एस का मान इस क्वेश्चन में 5 था, बीटा का मान 50, और 1+50 इंटू आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई। अब यहां से आर ई का मान भी आपको पता है, चलो एक काम करते हैं, ये आ गया 1+50 इंटू आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई, दैट शुड बी इक्वल टू 51/5। यहां से आ गया 50 इंटू आर ई बटे आर बी प्लस आर ई, दैट शुड बी इक्वल टू 51/5-1। ये वैल्यू आ गई, और आपको चाहिए क्या, बेस रजिस्टर आर बी का मान आप यहां से कैलकुलेट करें। आर ई नहीं 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 आर ई तो पुट करोगे ना स्टूडेंट्स, मैं रख नहीं रहा तो क्या हुआ, 942 अपॉन आर बी प्लस आर ई, दैट इज 942, और ये वैल्यू थी 51/5-1। बताओ आर बी कितना आ रहा था यहां से, कोई रिप्लाई करना, आर बी का मान के, राइट, तो ये आरबी आ गया। अब अपने को आरबी भी पता चल चुका है, तो अपनी जो नेक्स्ट मेहनत अब हमें कहां करनी चाहिए, अगर आरबी की वैल्यू पता है, राइट, अब एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से वाच करते हैं। यस, आरबी आरटीएच है स्टूडेंट्स, आरबी ही क्या है आरटीएच, वीबी ही क्या है वीटीएच, फाइन।
आरबी ही क्या है आरटीएच, वीबी ही क्या है वीटीएच। इसका मतलब देखो देखो देखो, इस फिगर में अगर हम लोग एक केवीएल लगाएं इधर, तो यहां फ्लो होने वाली करंट बेस करंट है, बट यहां फ्लो होने वाली करंट एमीटर करंट है, राइट। एक केवीएल इनपुट साइड लगा सकते हैं, इसको लगाकर हमें वीटीएच का मान पता चल जाएगा। क्यों नहीं पता चल जाएगा? देखो आईवीआर भी पता है, और यहां बनने वाला वोल्टेज क्या होगा, प्लस माइनस वीबी। आप जब केवीएल यहां लगाओगे तो दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इक्वल टू जीरो, राइट। अदरवाइज वीटीएच बराबर दिस प्लस दिस प्लस दिस, एक ही बात है। तो अप्लाई केवीएल इन इनपुट साइड, अप्लाई केवीएल इन इनपुट लूप, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन इनपुट लूप। अब अगर इनपुट लूप पर केवीएल लगाएं, इनपुट लूप पर वैल्यू क्या बन गई, आई बी आर बी प्लस, देखते जाना, बेस टू एमीटर वोल्टेज प्लस आई ई इंटू आर ई बराबर माइनस का वीटीएच या माइनस का वीबी। तो माइनस का वीबीवी को क्या लिख सकते हैं, ऐसा बोल दूं क्या, बराबर वीबी, ठीक है। अब यहां से आपको वीबी ही पता करना है, तो आई बी आर बी 0.046 इंटू आर बी कितना था 4.177 के प्लस 0.7 प्लस एमीटर करंट कितनी थी 2.346 इंटू एमीटर रेजिस्टेंस कितना है 942, ये 0.942 कर लेना बराबर वीबी। मुझे कोई बताए वीबी कितना है, रिप्लाई करो, वीबी बेस वोल्टेज बोलो या वीटीएच बोलो, 3.102, ओके मान लेता हूं 3.1 बेस वोल्टेज आ गया। थ्री पॉइंट वन के अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा, देख लेना आप लोग। फाइन, अब देखो क्रूशियल स्टेप। एक तरीका तो ये था स्टूडेंट्स कि मैं यहां पर बेस वोल्टेज पता कर चुका हूं, देखो इधर इस वोल्टेज के बाद यहां घूमने की कोशिश करूं, वो अननेसेसरी दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, राइट। फिर दो इक्वेशन के बाद एक और अननोन चाहिए, दैट विल टेक लॉन्ग टाइम। ज्यादा आसान ये दिख रहा था कि अगर अपने को बेस वोल्टेज पता है, समझना, बेस वोल्टेज का मतलब होता है वीसीसी इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। कल क्या ये फार्मूला सबको याद हो चुका है, थेविनिन का, और आरटीएच का फार्मूला आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू। तो देखो पहले वाले फार्मूले पर समझना आप सभी, वीबी बराबर था वीसीसी इंटू आर टू बटे आर वन प्लस आर टू। एक प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं अंश और हर में दोनों में आर वन का गुणा कर दूं, तो क्या ये फार्मूला, क्या ये फार्मूला आरबी का होता है, राइट। यही तो है ना स्टूडेंट्स, आरबी यहां तक आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू। तो कैन आई से वीबी बराबर वीसीसी इंटू आरबी या आरटीएच, जो भी लिखा हो आपने, बटे में आर वन। एक वैल्यू में निकाल देता हूं, वीसीसी कितना था 18, आरबी कितना था, आरबी 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 यस 4.177 और बटे में आर वन, आर वन का मान पता करना है, सॉरी वीबी का मान था कितना, वीबी वीबी 3.01। तो आर वन आ गया 4.177 / 3.01। चेक दिस, 20 कितना आ रहा है,
आंसर नहीं मेरे पास, 24 पॉइंट। हाँ ठीक है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना सभी लोगों का सही में कि नहीं, ये बताया गया आंसर है। राइट, टोटल 6 स्टूडेंट्स का सही था। राइट, अब R2 स्टूडेंट खुद लिख लेना क्या चाह रहे हो, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था, कुछ खुद भी करना है। क्लियर, RB बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वेल क्या लिखूं, प्रतिस्थापन, हाँ सॉरी, तो R2 का मान भी आ गया आपके पास 5 पॉइंट, क्या लिख रहे थे, कितना, हाँ 5.046 बता रहे हैं जो भी आ रहा है। तो ये R1 का मान था और ये R2 का मान था। अरे ठीक है, 047 आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स इतना चलता है, चलो ये रहा 7, ठीक है चलो। मेथड समझो बस, मोटो ये था। और मैंने आपसे कहा था इस क्वेश्चन का एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज पर, बट स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, आप एक चीज फील करिए, ये न्यूमेरिकल कहीं से कहीं तक इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसका एक बेसिक एब्रीविएशन अपने दिमाग में आना चाहिए। देखो जरा, आपने पोटेंशियल डिवाइडर यूज किया स्टूडेंट्स, अभी मैं टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट ले लेना, नॉट एन इशू। इस पोटेंशियल डिवाइडर का स्टेबिलिटी फैक्टर 5 दिया था, कितना दिया था 5, और 5 वैल्यू छोटी वैल्यू है, 1 प्लस बीटा के सामने बहुत छोटी वैल्यू है। तो अगर ये 5 है तो आप फील करो स्टेबिलिटी फैक्टर के फार्मूले में बीटा इंटू आर ही था, क्या यहां डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो आर बी है क्या ये घटी नहीं है पहले से, क्योंकि दो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल आया और वो पैरेलल केवल याद करो जब हम कलेक्टर टू बेस बायस पढ़ते थे 400 475 485 470 किलो 470 किलो। यहां बेस रजिस्टर का मान जितना कम सेलेक्ट होगा, बेस रजिस्टर का मान 177 के आया, बेस रजिस्टर जितना घटा क्या उतना स्टेबिलिटी फैक्टर इंप्रूव। तो कलेक्टर टू बेस बायस और पोटेंशियल डिवाइडर में आपकी कोशिश होती है कि पोटेंशियल डिवाइडर में बायसिंग इस तरह से अप्लाई करें ताकि दोनों का पैरेलल वैल्यू कम होकर आए, और आपको पता है पैरेलल में दो रेजिस्टेंस का पैरेलल छोटे प्रतिरोध से और कम आएगा। तो ये अगर और कम आएगा तो क्या ओवरऑल स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, अरे मतलब वैल्यू घट जाएगी स्टेबिलिटी फैक्टर की। रैंक सिस्टम, स्टेबिलिटी फैक्टर अच्छा होने का मतलब उसकी रैंक कम हो, फाइन। तो इट डिपेंड्स ऑन वैल्यूज सिलेक्शन, न्यूमेरिकल में आप वैल्यूज का सिलेक्शन करें। अब जो लोगों का छूट गया है दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। राइट, ये कल वाला क्वेश्चन था, अब यहां से स्क्रीनशॉट ले लें, ये सॉल्यूशन था इसका। फर्दर दिस, नेक्स्ट दिस एंड ओवर, यहां तक है इसका सॉल्यूशन। राइट, अरे इससे कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई भी मेथड लगा लो, नॉट केयर, फाइन। चलो अब समझना आप इस क्वेश्चन को वन लाइनर कैसे बनाते हैं। एग्जाम में पोटेंशियल डिवाइडर ही आस्क होता है, राइट, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पोटेंशियल डिवाइडर पर ही बेस्ड होते हैं। और देखो स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपको याद हो डायोड पर भी जब मैंने प्रॉब्लम्स करवाई थी तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करानी पड़ी थी, राइट, क्योंकि 2-4 प्रॉब्लम से आप सोचें कंप्लीट क्लियरिटी आना पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट प्रॉब्लम्स पहले यहां पर एक बार जस्टिफाई करनी पड़ेगी,
फैट मॉस्फेट में हम लोग इसकी तरह ही मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, राइट। अगला टॉपिक हमें एफईटी मॉस्फेट स्टार्ट करना है, जस्ट वही लास्ट टॉपिक है अपना डिवाइस का। तो उसमें जाने से पहले बीजेटी पर एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स क्लेरिफिकेशन जरूरी है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर बीटा हाई, बीटा का मान 100 से बड़ा हो या बराबर हो, राइट, अदरवाइज बीटा हाई दिया हो, क्लियर। इसके लिए अब देखो अप्रोक्सीमेशन जरा समझना, कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये था पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, दिस इज वीसीसी, और इसको इस वे में समझना कि आप हर क्वेश्चन में इस एनालिसिस को यूज कर पाए। ये आरसीए, नहीं नहीं स्टूडेंट्स देखो, पहले आप कंप्लीटली एनपीएन पर हो अभी, फिर इसके बाद दो दो ट्रांजिस्टर आएंगे, फिर दो के साथ ट्रांजिस्टर जब ऐड होंगे तो कोई एनपीएन, फिर कोई पीएनपी ऐड होगा, फिर करंट मिरर सर्किट आएगा, राइट। इतना आप सोचेंगे कि एक शॉट में सारे क्वेश्चंस हो जाए तो नहीं, अभी आपको पता ही नहीं है क्या कास्कोड, क्या कास्केड, क्या डार्लिंगटन एमिटर फॉलोवर, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आर देयर। ये नाम में लगता है बीजेटी, सिलेबस में लिखा होता है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब वो लिख देने का मतलब, लिखा होता है डायोड, 16 लेक्चर लगे थे, और ऑफलाइन में कितनी क्लास लगी थी वो भी है आपके सामने, वो लिखा होता है डायोड, लिखा होता है बीजेटी, आपको समझना होगा, राइट। ये आपका एक ही काम है, ये लिया फोटो, हाँ यस, चलो सॉरी, नहीं नहीं वो रिक्वायर्ड है, दैट्स वाई। अब यहां पर आरसीआरई, अब इसके बाद यहां आर वन है, और ये आर टू है। अब इसके बाद मेरी बात को लिसन करो स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, बीटा लार्ज है, बीटा इज वेरी वेरी लार्ज। अगर बीटा वेरी वेरी लार्ज है, ध्यान देना, आई बी का मान आई सी अपॉन बीटा है, इसका मतलब बीटा लार्ज तो बेस करंट लो, बेस करंट जीरो नहीं है एक्चुअल में, है कुछ जिसको हम लगभग जीरो के आसपास मानते हैं, तो क्या एमीटर करंट ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी कलेक्टर करंट। तो किसी भी न्यूमेरिकल में अब आरसी के क्रॉस कौन सी करंट, आईसी, आरई के क्रॉस होना तो चाहिए आईई, बट आप इसको क्या मान सकते हैं, आईसी, क्लियर। दूसरी बात, जब बेस करंट लगभग निगलेक्टेड है, वेरी लेस, तो स्टूडेंट जरा समझना, आप बायसिंग पर इसको थेवेनिन के फॉर्म में चेंज करेंगे, राइट। जब आप इसको थेवेनिन के फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये सर्किट आपको ऐसा दिखता है, जरा समझे, दिस सर्किट लुक्स लाइक दिस इज आर ई, दिस इज आर सी, दिस इज वी सी सी, दिस इज ग्राउंड। हाँ अब देखो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, ये आरटीएच है जिसे आरबी कहते हो, और ये वीटीएच है जिसे वीबी कहते हो, क्लियर। अब ये बताओ, बेस करंट का मान वेरी लो है, बेस करंट लगभग 5 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, बहुत लो वैल्यू है, और आरबी का मान भी बहुत छोटा आ रहा है। अगर 4 किलो ओम 5 किलो ओम पर 10 माइक्रो एम्पियर का गुणा, मतलब यहां पर 0.0005 वोल्ट बन जाए,
तो बताओ इस पर बनने वाला वोल्टेज ड्रॉप क्या है? वेरी लो। अगर वोल्टेज ड्रॉप बहुत छोटा है, राइट, कितना ड्रॉप है? 0.005, इतना कम ड्रॉप। मेरी बात को लिसन करना आराम से, रुक कर। बेस करंट लो है, दैट इज ट्रू, बट बेस करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट, आरबी हम समझ रहे हैं कि ठीक ठाक है 4.117 के, बट स्टूडेंट जब इसमें आप 0.00000 देखो 0.00000046 का मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.046 तो मिली में था, अब 10^-3 और गुणा कर दो। वट इट, क्या ये वैल्यूज बीटा अगर लार्ज है तो आई बी का मान और छोटा मिलेगा, और छोटी वैल्यू इनटू आर बी। तो आई कैन से इफ आई बी आर बी का मान, जैसे एक एग्जांपल माना 0.005 वोल्ट है, 0.005 वोल्ट, देन वी कैन निग्लेक्ट दिस ड्रॉप ऑल्सो। हम इस ड्रॉप को अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में निग्लेक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट में नहीं, किसमें? अप्रोक्सीमेट। और जैसे ही आपने इस ड्रॉप को छोड़ा, स्टूडेंट्स, अब सर्किट को आप देखना और आपको दिखाई देगा इससे आसान सर्किट कोई नहीं है। अब ये किसमें चेंज हो गया जरा देखो, दिस बिकम्स लाइक वीसीसी, फर्दर आरसी, फर्दर आरई, जी यहां केवल और केवल वीबी आएगा और प्लस माइनस वीबी, राइट। ऊपर करंट कौन सी थी? कलेक्टर करंट। नीचे करंट कौन सी थी? एमीटर करंट। क्या एमीटर करंट कलेक्टर हो चुकी है? ये वाला वोल्टेज सी है, ये ई है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल वी सी। बताओ इससे आसान न्यूमेरिकल क्या मिलेगा? क्या इनपुट लूप की गणना ही खत्म हो गई? इसको और आसान वे में देखो जरा, अगर आप इसको भी कॉपी करें, देखो मैं इस फिगर को थोड़ा सा एलोबरेट करता हूं, देखना जरा। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, अभी बनाने की कोशिश मत करो, डोंट वरी, टाइम दूंगा मैं, क्या वीबी को अपन डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं क्या? अब न्यूमेरिकल देखो, डिजाइनर क्या करता है, यहां लेगा 6 वोल्ट, यहां कितने का ड्रॉप? 0.7। तो क्या एमीटर वोल्टेज 5.3 और क्या एमीटर रेजिस्टेंस 5.3 किलो ओम लगा देगा? 1 मिली एम्पियर, तो यहां 1 मिली एम्पियर, तो सीधा केवीएल। गॉट इट? वो आप देखो, अगर वो इससे कुछ डिफर वैल्यू लेगा तो इनडायरेक्टली वो मेंस का क्वेश्चन होगा, प्री का क्वेश्चन उसे ऐसा बनाना है जो सिंगल लाइन में सॉल्व हो। इसके लिए वो कोशिश क्या करेगा, यहां जितना वोल्टेज बनेगा 6 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट, इस वोल्टेज से 0.7 का अंतर यहां आएगा, वो वोल्टेज एमीटर का होगा और एमीटर और ग्राउंड के बीच वही वोल्टेज यहां होगा। उस वोल्टेज में इस आरई का भाग दे दोगे तो क्या करंट नहीं आ जाएगी? देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था ये वोल्टेज, तो इसको सिंगल पॉइंट वीबी भी लिख सकते हैं। होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी, क्लियर है सबको? ये लॉजिक कब है? जब बीटा हाई है, अदरवाइज बीटा का मान 100 से मोर है, राइट, या तो बीटा का मान 100 से मोर हो। हेलो, हाँ जी, बोलो। ठीक है, करता हूँ क्लास का। अब यहां पर चलो एक मिनट, अब ये फिगर आप बना लो, अब बना लो, यहां से स्टार्ट। This one.
ये फिक्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये मैंने ऐसी कुछ अजम्पशन दिखा दिया आपको, ठीक है, छोटा होना चाहिए आईबीआरबी, तब इस ड्रॉप को निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे एक माइक्रो एम्पियर गुणे 5 किलो ओम तो 0.005, ऐसा मैंने कुछ मान लिया, ठीक है, इसलिए सभी बायसिंग टेक्निक से आसान हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप निग्लेक्ट हो जाएगा सीधे, दैट इज द मेजर एडवांटेज। ठीक है, मुझे लगता है कंप्लीट है आपका। Completed. हाँ सर, बोल दिया था ना, ठीक। अब देखो यहां पर ये जिसने पूछा है, देखो स्टूडेंट्स, ये एडवांटेज है या नहीं, आप पहले आरबी पता करते थे, कहना आसान है स्टूडेंट्स, 25 किलो ओम 8 किलो ओम भी लगाया तो 25 × 8/25 + 8, पहले आरटीएच निकालो, क्या आरटीएच की कैलकुलेशन ही खत्म हो गई,
जब इसका ड्रॉप नहीं ले रहे हो तो क्या नहीं गणना करनी आरटीएच, केवल आपको वीबी निकालना है वीटीएच, आरटीएच की गणना खत्म, आरटीएच की गणना खत्म, यहां का ड्रॉप खत्म, तो क्या सीधे वीटीएच आ गया? और अब वीटीएच के साथ यहां कैलकुलेशन कर रहे हो, वीटीएच से वीबी को घटा दो तो इस पॉइंट का वोल्टेज मिल जाएगा, इसी को क्या कहते हो एमीटर वोल्टेज। ऊपर वाला वोल्टेज यहां से मिल जाएगा वीसी, वीसीसी बराबर आईसीआरसी प्लस दिस वोल्टेज, वीसी पता है वी पता है तो वीसी पता है, बट इट राइट। सो कैन आई प्रोसीड फर्दर, यहां तक मेरी बात क्लियर होगी? जी, तो ये आसान होगा हमारे लिए। अब चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अप्रोक्सीमेट वाले पर। क्वेश्चन पर मैंने बोला इन द सर्किट, इन द सर्किट ऑफ फिगर एज्यूम दैट, एज्यूम दैट ट्रांजिस्टर, एज्यूम दैट ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव, ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन, फुल स्टॉप, इट हैज ए लार्ज, इट हैज ए लार्ज बीटा, बीटा का मान बड़ा है, एंड बेस एमीटर वोल्टेज इज, एंड बेस एमीटर वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ आईसीज, आपसे आईसी का मान पूछा गया है। दीज ऑल आर द फोर ऑप्शंस, इनडिटर्मिनेट सिंस आरसी इज नॉट गिवन, ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि आरसी का मान नहीं पता। ऑप्शन बी है 1 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी है 5 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी है 10 मिली एम्पियर, राइट। आराम से इसको लिखिए। इस पर जो आपको फिगर गिवन था वो इस तरह से था स्टूडेंट्स, प्लस 15 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज जी, इसके बाद यहां आरसी कनेक्ट है, फर्दर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहां आर ई कनेक्ट है और आर ई का मान 430 ओम है। यहां R1 का मान 10 किलो ओम और R2 का मान 5 किलो ओम है। से हियर बेस टू एमिटर वोल्टेज VB, यू कैन स्टार्ट द बिट। सबसे पहले क्या करोगे, VB निकालोगे, RTH निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का बीटा क्या है, लार्ज, आरटीएच नहीं निकालेंगे, वीटीएच निकालिए सबसे पहले, सबसे पहले वीटीएच, दैट इज बेस वोल्टेज,
ठीक है, सबसे फर्स्ट वीबी कैलकुलेट करिए, नो सुमित, हाँ आशीष करेक्ट। देखो यहां पर पहली बात, जब भी प्रॉब्लम में बीटा लार्ज है राइट, तो बीटा लार्ज होने का मतलब बेस करंट निग्लेक्टेड राइट, बेस करंट निग्लेक्ट हो गई। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप इस पर वीटीएच निकाल लें, तो क्या वीटीएच बराबर वीबी होता है? और इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज, ये जो 15 था, 15 गुणे दिस वोल्टेज, सॉरी दिस प्रतिरोध बटे दिस प्लस दिस, फाइन। तो इसका मतलब 15 गुणे 5 के डिवाइडेड बाय 10 के प्लस 5 के, 15 गुणे 5 75 डिवाइड बाय 15, 5 वोल्ट आ गया। वीबी या वीटीएच कितना आ गया? 5 वोल्ट। आरटीएच की जरूरत नहीं है राइट। अब देखो अगर आप इसको जल्दी समझना, ये रहा 15 वोल्ट, ये आरसी है, यहां आरई है और आरई का मान 430 ओम, ये ग्राउंड है। अब एक बात बताओ, यहां का बेस वोल्टेज कितना आ गया? 5 वोल्ट। देखो सभी लोग बोर्ड पर देखो, क्या मैंने कहा था यहां बेस टू एमीटर होता है? आईबी आरबी निग्लेक्ट हो गया, बोलो आईबी आरबी निग्लेक्ट हो गया ना यहां पर। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, अगर बीटा लार्ज है ठीक है, इसका मतलब क्या 5 वोल्ट से सीधे 0.7 को घटा देंगे तो क्या स्टूडेंट्स इस समय इस नोड का वोल्टेज VE कितना आ जाएगा? 4.3 राइट। कई बार कुछ स्टूडेंट्स को मजा नहीं आता कि सर ये लाइन लिखी क्यों नहीं, तो VB बराबर VB माइनस VE होगा। और अब पक्षांतर करो, चिन्ह बदलो, अलग ही मजा है इसका नहीं? तो क्या एमीटर वोल्टेज बोला जा सकता है वी बराबर वीबी प्लस वीबी और बेस वोल्टेज 5 था, सॉरी माइनस ओनली, बेस वोल्टेज कितना था अपने पास? 5 और बेस टू एमीटर 0.7, तो कितना आ गया? 4.3, ये वीई आ गया। अब एक बात बताइए, क्या जो करंट यहां होगी वही करंट यहां होगी? इस करंट को एमीटर करंट कह रहे थे, क्या ये कलेक्टर करंट के बराबर नहीं होगी अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में? तो बताइए आईई का मान कितना हो जाएगा? आईई बराबर वीई बटे आरई। एक्चुअल में ये वीई से 0 का अंतर है राइट, वी है कितना? 4.3। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी बात पहले ध्यान से अगर सुनी होगी तो बात समझ पा रहे होंगे। मैंने कहा था ये वोल्टेज कुछ ऐसा बनाया जाता है ताकि यहां पर वो वोल्टेज बने जिससे बटे करने में आसानी से करंट आ जाए, क्लियर? ये एग्जामिनर का मोटो होता है। तो पता नहीं आप लोगों ने भाग कैसे दिया, जिनका जिनका आंसर 1 मिली एम्पियर आया, भाग देने की आज एक क्लास लगाते हैं। 4.3 डिवाइड बाई 0.43 राइट, क्या ये वैल्यू ऊपर 10 बना देगी? किलो ऊपर जाकर मिली बना देगा। और अगर एमीटर करंट 10 है तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में कलेक्टर करंट भी 10 ही होगी। हाँ एक बात और, जिन्होंने ये कहा था
कैन नॉट बी डिटरमाइंड सिंस आरसी इज नॉट गिवन. देखो दिमाग से ये फितूर हटाओ कि आरसी और वीसी नहीं पता तो आंसर नहीं आएगा. क्या जो करंट यहां है वही करंट यहां नहीं होगी? आपने देखा क्वेश्चन कितना आसान हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस लगा रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर पर. करेक्ट ओनली, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एक बार चेक कर लो कहीं कोई इशू तो बताओ. नहीं, बेस करंट तो लगभग निग्लेक्टेड हो गई ना स्टूडेंट, अब बीटा गिवन ही नहीं है, बेस करंट बताओगे कहां से? इफ बीटा इज नॉट गिवन तो बेस करंट कहां से कैलकुलेट करोगे? उसके लिए तो फिर एक रास्ता है, आईबी आरबी का ड्रॉप बताओ, वहां आरबी बताओ, फिर उसकी कैलकुलेशन करो. ठीक है, ओम. हाँ बिल्कुल ओम है, मैंने कहा किलो ओम कर दिया उसको. अरे ये 0.430 लिखा है ना, तब किलो ओम हो गया. फाइन, नेक्स्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और इसका रिप्लाई जरूर दें स्टूडेंट्स की क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन बन रही है. फाइन, फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट shown below, the value of resistance, RE in kilo ohm is approximately. राइट, अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू बतानी है आरई की. दिस इज प्लस 10 वोल्ट, यहां कुछ दिया है 1.5 के, दिस इज आरई. और यहां कलेक्टर करंट आईसी बराबर 2 mA. यहां 15 kΩ, यहां 5.54 kΩ, बना लो इसको. दिए गए ट्रांजिस्टर में आरई का मान आपको बताना है और यहां दो बातें दी गई हैं, आईसी और वीसी. वीसी 5 वोल्ट दिया, सॉरी, कलेक्टर टू एमीटर वीसी बराबर 5 वोल्ट. ये दो बातें आपको बताई गई हैं, आईसी और वीसी. आरई बताना है स्टूडेंट्स. देखो उसने क्या लिख दिया है, अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बीटा इज वेरी वेरी लार्ज का केस. ठीक है, बाय डिफॉल्ट बीटा इज वेरी वेरी लार्ज मानकर चलेंगे. अप्रोक्सीमेटली लिखने का मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स, वन लाइनर क्वेश्चन है. अरे आईसी जितना उतना ही आई होगा, दैट्स ऑल. क्लियर, सही है.
ठीक है, 1 किलो ओनली आप? ठीक है, देखो, बेटर टू यूज व्हाट? क्या यहां पर जो करंट बनेगी वो एमीटर करंट होती है, और अप्रोक्सीमेटली में क्या इसको आईसी मान सकते हैं? राइट, अगर इसको हम आईसी मान लें तो क्या कहा जा सकता है आउटपुट पर केवीएल लगा दें सीधे? बताओ, अप्लाई केवीएल इन आउटपुट साइड। अप्लाई केवीएल इन आउटपुट लूप, आउटपुट में 10 बराबर 1.5 के इनटू कितना है करंट? 2 मिली एम्पियर प्लस वीसी कितना है? 5 प्लस आईसी इनटू आरई। अब बताओ, 1.5 × 2 कितना होगा? 3 हो गया ये, 3 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस आईसी का मतलब 2 मिली एम्पियर इंटू आरई, और यहां 10 वोल्ट है। अब 10 में अगर 8 को घटा दें तो 2 आ गया, 2 बराबर 2 मिली एम्पियर इंटू आरई, तो आरई कितना आ गया? 2/2 मिली एम्पियर, 1 ऊपर जाकर किलो। सीधे आंसर, कोई दिक्कत? क्या सर इनपुट लूप से नहीं निकाल सकते? अरे इनपुट से भी यही आएगा, इनपुट से लगभग में आएगा, क्योंकि आईबी ले रहे हो आप। एक्चुअल में आईबी आरबी का ड्रॉप निग्लेक्टेड कर रहे हो, लगभग में आ जाएगा। क्लियर? हाँ, 0.99 के आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। मान लेना 0.99 को मेरी तरफ से 1 किलो। ठीक है, अरे 60/21 निकाला होगा, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, 10 × 5.54। हाँ, 20.54 निकाला होगा, वैल्यू आई होगी कुछ। ठीक है, फाइन। अगला लिखो, रुक जाइए जरा, ममता कहानी कम सुनाया करो। इनपुट लूप से कहां से नहीं आ रहा? ये वीटीएच निकालने लगे थे, चाहे वहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। ये कहो कि निकला नहीं था आंसर, आरई कैलकुलेट करना था। आ गया, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, बोलते ही आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। मैंने ऐसा पहले बोल दिया हो तो पहले ही आ जाता आंसर। आरसी बराबर 1.5 के है। देखो, वीबी का मान आपने जो भी कैलकुलेट किया, कैलसी नहीं है मेरे पास, आप लोग बताना जरा मुझे वीबी कितना आ रहा है ऊपर वाले डाटा से। 10 × 5.54 / 15 + 5.54, वीबी कितना आया? 2.7 के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। यस, यही आ रहा है, अब वो लगभग में आ रहा होगा। तो वीबी का मान 2.7 वोल्ट आ गया, 2.69, कमलेश लगभग 0.7 मान ले इसको, राइट, 2.69 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब बताओ, 2.7 से अगर 0.7 घटा दोगे
तो क्या यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा, इसे एमीटर वोल्टेज कहते हैं, ये कितना आ गया 2 वोल्ट। और बताइए आप यहां की करंट अगर 2 मिली एम्पियर है तो क्या अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में यहां की करंट भी 2 मिली एम्पियर होगी। और फिर आपसे पूछा क्या गया था आरई, तो आरई बराबर 2 वोल्ट अपॉन 2 मिली एम्पियर। हालांकि मेरी बात ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एक्चुअल में यहां आई बी आर बी आना चाहिए बट अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर? तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई 1 किलो ओम। कहीं से निकालिए, हर जगह से आंसर सेम है। गॉट इट? चलिए अब देखो, अगर यहां पर एनालिसिस वाइज, एक सेकंड, एक मैं सर्किट आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है। लिखिए, फिगर सोन बिलो shows a common emitter amplifier. Full stop. The quiescent. The quiescent collector voltage of the circuit. Is approximately. फिर क्या लिखा इस बार? Approximately. ये वर्ड यूज कर देता है एग्जामिनर। Approximately का मतलब क्या? सभी को क्लियर हो रहा है क्या बात हो रही है? By default बीटा वेरी वेरी लार्ज, IC बराबर I, सर्किट पर ये 20 वोल्ट RC का मान 10 किलो ओम यहां RE का मान फर्दर 10 किलो ओम दोनों बराबर हैं। R1 10 किलो ओम, R2 5 किलो ओम। फाइन, ये वाला वोल्टेज आपसे पूछा गया है VC। करो स्टार्ट, VB निकाल लेना, IC निकाल लेना, VC निकाल लेना। फाइन, करिए स्टार्ट। 1.98 चेक कर ले रहे स्टूडेंट्स क्या आ रहा है।
सॉरी स्टूडेंट्स, कितना आंसर आ रहा है? अरे वाह, गुड, सभी का करेक्ट है। 14.1, हाँ राइट, 14.1 इज एग्जैक्ट राइट, मतलब जो आना चाहिए, बाकी जो भी आ रहा हो। नो, 13.4 इज रॉन्ग, इतना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं। मैं अप्रोक्सीमेट बोलूं तो इसका मतलब ये नहीं स्टूडेंट्स, ना पॉइंट्स लिटिल बिट कैन हैपन। सी फाइन, यहां पर फिगर शोज बिलो ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्वेसेंट कलेक्टर वोल्टेज। क्वेसेंट का मतलब होता है क्यू पॉइंट के रिगार्डिंग, राइट, ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट पर जैसे यहां क्यू लिखा हो तो दो बातें होती हैं, एक इसकी करंट और एक इस पर वीसी, राइट। तो यहां केवल क्वेसेंट कलेक्टर वोल्टेज की बात की है, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, वीसी की। अब यहां पर सॉल्यूशन वाइज आप मेरी फर्स्ट टॉक को समझना, क्या यहां पर वीबी अगर निकाला जाए तो बेस वोल्टेज को ही हम वीटीएच कहते हैं, और वीबी बराबर वीटीएच का मतलब 20 गुणे 5 बटे 10 के प्लस 5 के, दिस इज नथिंग बट 100 अपॉन 15। तो ये कितना आ गया, 100 अपॉन 15 ही रख लें, 20/3, ठीक है, मतलब 6 पॉइंट समथिंग, राइट, यही आया होगा, दिस इज वीबी। अब वीबी के बाद नेक्स्ट हमारी जरूरत क्या है, अगर हम सर्किट को फिर से इंप्लीमेंट करें, मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूं, ज्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। ये वाला जो पार्ट है देखो जरा, अब इस पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, यहां अपने पास 20 वोल्ट है, राइट, और बेस पर अपने पास वोल्टेज कितना आ गया, अप्रोक्सीमेट पर वीबी आ गया 20/3, और यहां वोल्टेज कितना होगा, बेस टू एमीटर होगा, और बेस टू एमीटर जब घटा दोगे तो यहां का वोल्टेज क्या आ जाएगा, एमीटर वोल्टेज। फाइन, दिस इज एमीटर वोल्टेज। तो आपको क्लियर हो रहा होगा यहां जो करंट फ्लो करेगी आरई में, क्या वो आईई है एक्चुअल में, आईई बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, बताओ आप मुझे, होना चाहिए वीई अपॉन आरई, और वी है क्या, बेस वोल्टेज माइनस वीबी बटे आरई। बेस वोल्टेज आया कितना, 20/3, बेस टू एमीटर वोल्टेज 0.7 बटे आरई, मतलब 10 किलो। यू कैन चेक दिस एमीटर करंट 4.59 मिली एम्पीयर, एक बार चेक कर लेना आपको, राइट। क्या बोला मैंने, सुनो फिर से, एमीटर करंट का मतलब एमीटर का वोल्टेज बटे एमीटर रेजिस्टेंस, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करोगे, और इसका वोल्टेज पता कैसे चलेगा, बेस वोल्टेज 20/3 है, इससे 0.7 घटा दें सस्कांत, दिस इज 20/3, इससे 0.7 घटा दो तो क्या यहां का वोल्टेज नहीं मिल जाएगा, क्योंकि यहां आरबी नहीं है अब, इसलिए क्वेश्चन आसान है, बेस वोल्टेज में सीधे इसको घटाओ, यहां का वोल्टेज मिल गया, यहां का वोल्टेज मिल गया और बटे प्रतिरोध, तो क्या है, मीटर करंट पता चल गई। और आप जानते हो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में आईई और आईसी इक्वल है, कितना है ये 0.59। पता क्या करना था हमें, देखो इधर एक केवीएल लगा लो, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बराबर दिस वोल्टेज, राइट, अदरवाइज 20 बराबर, ऊपर से देखो 20 बराबर आईसी आरसी प्लस वीसी, जरूरत क्या है वीसी, तो 20 माइनस आईसी इंटू आरसी, आईसी है कितना 0.59, आरसी कितना था भूल गया मैं, 10 किलो ओम, तो 20 माइनस 5.9 14.1 वोल्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, बाकी जो आप लोगों ने निकाला, लगभग में 14 के आसपास जो भी, अदरवाइज 14.1 आ रहा है, क्लियर। इसमें किसी को कोई इशू, करें स्टार्ट नेक्स्ट,
6.66 क्या बता रहे हो ये? अच्छा 20/3, ओके। यहां तक क्लियर है सबको? फाइन। इसमें कोई इशू तो नहीं यहां तक? नहीं, कलेक्टर टू एमीटर पूछा होता अगर, इधर सुनो जी, तो पूछा है वो लिख दिया स्टूडेंट्स, बाकी निकाल कुछ भी सकते हो। वीसी माइनस वी कर लेना, वीसी कितना है अपने पास 14.1, एमीटर कितना था, एमीटर वोल्टेज हाउ मच, नहीं निकाला, 20/3 और -0.7, चेक कर लेना, दिस इज VC। अरे लिखा नहीं है मेरे पास, अब वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 8.2 बता रहे हैं, यू कैन चेक, राइट, पूछा है तो VC भी निकाल सकते हो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। पूछा VC क्या था, इसलिए VC बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट, अब इसका आंसर रिप्लाई करो, फॉर द सर्किट गिवन बिलो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, क्या हुआ यहां तक कोई इश्यू तो नहीं किसी को? संजय क्लियर है जी? कंसीडर द सर्किट shown in figure 0.8, VBE बराबर 0.8। हाँ सुनो स्टूडेंट्स, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में बोल देता है VBE 0.8 तो वह आपको 0.8 लेना है, किसी क्वेश्चन में बोल दे VBE 0.65 तो वो 0.65 लेना है, किसी क्वेश्चन में बोल दे एज्यूम VBE 0.6 तो वो 0.6 लेना है, राइट right? फिर बोला गया एंड कॉमन बेस करंट गेन, कॉमन बेस करंट गेन अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज यूनिटी, ऑफ द ट्रांजिस्टर इज यूनिटी, द वैल्यू ऑफ कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज VC in volt is, right? अब देखो this is 18 volt, this is 4K, this is 2K, फोर के सिक्सटीन के। लैंग्वेज में क्या आप कुछ बात समझ में आई क्या? मैं समझ नहीं पाया अल्फा देने का मतलब। हाँ बोलिए, गॉट इट, अल्फा वन दैट मीन्स बीटा इनफाइनाइट, बीटा इज वेरी वेरी लार्ज, द सेम क्वेश्चन वी हैव टेकन लास्ट क्वेश्चन ओनली, बट फॉर लैंग्वेज इशू we should take this bit also, alpha 1 होने का मतलब क्या होता है, beta अनंत होना, beta बराबर alpha upon 1 minus alpha, पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला है, common base current gain alpha of the transistor is unity, है ये common emitter, लेकिन दिया किसका gain है, common base का, fine,
राजरानी मन की आंखों से नहीं पढ़ना है, जगते हुए पढ़ना है। कॉमन बेस करंट गेन अल्फा इज वन, दैट मींस बीटा इज नथिंग बट अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। अल्फा अपॉन वन माइनस वन समथिंग अपॉन जीरो विल बी इनफाइनाइट। तो क्या बीटा टेंस टू इनफाइनाइट हो गया? इनफाइनाइट होता नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब एजम्पशन है, राइट? तो बीटा टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब बेस करंट लगभग आईबी निग्लिजेबल। आईबी क्या हो गया? निग्लिजेबल। आईबी निग्लिजेबल है तो क्या वीबी पता चल जाएगा? अप्रोक्सीमेट एनालिसिस इज वैलिड। बताओ वीबी का मान, वीबी वीटीएच होता है, 18 गुणे, देखिए इधर, दिस वोल्टेज इनटू आर टू बटे आर वन प्लस आर टू, ठीक है, 18 गुणे 16 के डिवाइड बाय 44 के प्लस 16 के, बेस वोल्टेज का मान, रिप्लाई आया कुछ, 4.8, ओके, वीबी 4.8 है, ठीक है। तो वीबी 4.8 है, मैक्सिमम का करेक्ट है वीसी, राइट। ये बेस वोल्टेज आ गया। देखो अगर आप इसका इक्विवेलेंट बनाए, हाँ मुकेश करेक्ट है, करेक्ट ओनली, करेक्ट करेक्ट, सुमित करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, राइट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव गिवन राइट आंसर ओनली। तो अब आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स ये ज्यादा आसान है पोटेंशियल डिवाइडर, मतलब आसान तो सभी हैं, बट इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस और कम है। लेकिन कब? जब बीटा वेरी वेरी लार्ज, बीटा अप्रोक्सीमेटली, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम होता है। चलिए इसको मैंने ये कहा, ये ट्रांजिस्टर था अपने पास, यहां नीचे अपने पास जो रजिस्टर था वो 2 किलो ओम था, ऊपर यहां जो रजिस्टर था वो 4K था, यहां वोल्टेज 18 वोल्ट और बेस वोल्टेज कितना आया अभी हल होकर 4.8। अब बताओ बेस टू एमीटर वोल्टेज कितना है इस बार? 0.8। मेरे साथ सभी ये बात समझ पा रहे हैं? इस वोल्टेज में 0.7 घटा दें तो क्या मीटर का वोल्टेज मिल जाएगा, राइट? एमीटर वोल्टेज बराबर वीई बराबर वीबी माइनस वीबी, और वीबी कितना था? 4.8। देखो इसीलिए उसने 0.8 दिया है बेस वोल्टेज, बेस टू एमीटर वोल्टेज। मैंने कहा था ना स्टूडेंट्स कैलकुलेशन वो ऐसी खुद बनाना चाहता है कि पेन ना उठाना पड़े, राइट? 4.8 माइनस 0.8 दैट इज 4 वोल्ट। अब यहां 4 वोल्ट आ गया एमीटर वोल्टेज, तो क्या यहां की करंट एमीटर करंट होगी? और आपको पता है अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में एमीटर करंट और आईसी इक्वल, एमीटर करंट इज नथिंग बट वीई बाई 2K, वी कितना है 4 बाई 2K, तो 2 mA। अब एमीटर करंट 2 है तो ऊपर भी करंट कितनी है यहां? 2 mA। पूछा क्या था आपसे, एक मिनट, वीसीई, अच्छा सॉरी वीसी पूछा है, पहले वीसी निकाल लो और वी में माइनस कर दो। वीसी निकालने के लिए बताइए स्टूडेंट्स 18 बराबर आईसीआरसी प्लस दिस वोल्टेज, कोई दिक्कत? सस्कांत इस वोल्टेज बराबर को दिस प्लस दिस नहीं लिख सकते, तो 18 बराबर
कितना था आईसीआरसी प्लस वीसी और आईसी का मान 2, आरसी का मान कितना है 4K, 2 × 4 प्लस वीसी और ये 18 है, तो क्या वीसी का मान 10 वोल्ट आ गया। अब वीसी कितना होता है, वीसी माइनस वी, वीसी का मान 10, वी का मान 4, तो 6। बेटर है पूरे में केवीएल लगा देते आउटपुट में, जैसे भी लिखना हो, राइट, हर जगह से आंसर सेम आएगा, एनालिसिस कैसे भी करिए केवीएल तो सेटिस्फाई होना ही होना है। राइट, एक छोटा क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद मिक्स कैटेगरी में आते हैं, मतलब क्वेश्चंस दो दो ट्रांजिस्टर एक साथ, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करें, देखो एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन, कहीं कोई इश्यू स्टूडेंट्स, देखो लिखने के लिए अननेसेसरी अलग से टाइम देना पॉसिबल नहीं है, आपको साथ साथ लिखते चलना है, राइट। एक बार मैं न्यूमेरिकल लगाने का टाइम जब दे रहा हूं उसी समय आपको सॉल्व कर लेना है, फाइन। चलो नेक्स्ट देखिए, अब आप जी ये क्वेश्चन दिया गया, द ट्रांजिस्टर सर्किट एंड इट्स डीसी लोड लाइन, द ट्रांजिस्टर सर्किट एंड इट्स डीसी लोड लाइन इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, राइट, फॉर द ट्रांजिस्टर बीटा इज इक्वल टू 120, बीटा का मान कितना है 120, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमीटर रेजिस्टेंस, आर ही बताना है, लेकिन कब बताना है, हेलो राधे राधे, नहीं नहीं तबीयत ठीक है, अभी करता हूं ना मैं आपको, सॉरी। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमीटर रेजिस्टेंस आर ई एट क्यू पॉइंट, मतलब कैलकुलेशन क्यू पॉइंट पर करनी है। अब देखो यहां ट्रांजिस्टर सर्किट पर ये आरसी है जिसका मान 2 kΩ दिया था, इसके बाद आर ई है, फर्दर यहां आर वन है, और ये यहां आर टू है, राइट। यहां स्टूडेंट्स एक ऐसा कर्व बना हुआ था, सॉरी ऐसा ग्राफ बना हुआ था,
दैट इज आईसी वर्सेज वीसी, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में डीसी लोड लाइन कहते हैं, राइट right? और इस डीसी लोड लाइन में ये वाला पॉइंट 7.2 था, सॉरी 7.2 एम्पियर, और यहां वोल्टेज था 18 वोल्ट, और इस ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट कहीं यहां था, सॉरी क्यू पॉइंट कहीं यहां था, इस पर 6 वोल्ट और इस पर 4.8 एम्पियर, दिस इज 4.8 एम्पियर, दिस इज 6 वोल्ट, ये वाला पॉइंट क्यू पॉइंट दिया था, ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट ये दिया हुआ है, राइट right? और आपसे एमीटर रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, एमीटर रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, कितना बता रहे हैं, नहीं नहीं अरे वीसीसी कैसे नहीं देगा स्टूडेंट, वीसीसी कितना कितना 18, इसके बिना कैसे करोगे, वीसीसी इज गिवन सॉरी 18 वोल्ट, बीटा अगर 120 है मतलब लिसन स्टूडेंट्स, यहां आपके पास सबसे पहले देखो ये बात समझ में आ रही है, अगर आरसी पर जो करंट बनेगी वो आईसी है तो क्या वही करंट यहां नहीं बनेगी, सेम करंट नीचे बनेगी आईसी और आई, क्योंकि बीटा 120 है, फाइन। दूसरी बात, यस, क्या क्यू पॉइंट पर बनने वाला वोल्टेज 6 वोल्ट है, इसका मतलब वीसी कितना हो गया बाय डिफॉल्ट 6 वोल्ट, आईसी कितना है इस समय, मैं नीचे खींच देता हूं, इधर बना देता हूं ज्यादा सामने। अब आप मुझे बताओ आईसी ये वाली करंट थी और क्या स्टूडेंट्स दोनों में आईसी सेम है, तो क्या केवीएल लग सकता है। अच्छा ये समझ पाए कि आपकी क्यू पॉइंट इसने ट्रांजिस्टर का दे रखा है किस पर, 6 वोल्ट और 4.8 एम्पियर, तो क्या कलेक्टर करंट का मान यू कैन टेक 4.8 एम्पियर, यस, एंड वीसी 6 वोल्ट, बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं दिया इसने, क्यू पॉइंट कहीं जो दिया है वही लेना पड़ेगा, क्या कह रहे हो स्टूडेंट, समझ नहीं पाया, आईसी की वैल्यू ऑल आर मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर ओनली, एम्पियर कैन नॉट बी पॉसिबल स्टूडेंट्स, एम्पियर हाउ इट कैन बी पॉसिबल, सॉरी सर्किट विल बर्न, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एम्पियर कैन नॉट टॉलरेट, ओनली इट कैन टॉलरेट अप टू मिली एम्पियर, मैं बाई मिस्टेक लिख गया हूँ,
7.2 ऑल आर इन मिली एम्पियर. अदरवाइज लाइफ गॉन. दिस इज 4.8, दिस इज 6. अब ठीक है. नाउ यस, एमीटर करंट, कलेक्टर करंट यहां 4.8, तो यहां भी कितनी होगी? दिस इज 4.8 ओनली. ठीक है. अब आप केवीएल लगाइए. 18 बराबर आईसी इंटू आरसी प्लस वीसीई प्लस आईई या आईसी इंटू आरई. करंट दोनों में इक्वल है, तो 18 माइनस 4.2 गुणे 2 किलो ओम माइनस वीसी कितना था 6 बराबर 4.8 थी क्या करंट? अच्छा सॉरी, यहां भी 4.8 है. 4.8 इंटू आरई, तो आरई का मान कितना आ गया? 0.5 किलो. प्लीज चेक. हाँ ठीक है, 500 ओम 0.5 के ऑल आर सेम. इज इट नीडेड R1 एंड R2? नो नीड, राइट? सो डोंट गॉट एनी हेडेक इन माइंड ऑफ R1 एंड R2 हियर. दिस इज जस्ट गिवन, just given to deviate you. ठीक है. क्यू पॉइंट जनरली स्टूडेंट सेंटर पर होना चाहिए, लेकिन जिस जो इसने दिया है वो न्यूमेरिकल में लेंगे. ठीक है, न्यूमेरिकल में 6 दिया है, 4.8 दिया है. 6 वोल्ट मतलब वीसी, 4.8 मतलब आईसी, राइट? देने का तरीका है डीसी लोड लाइन की मदद से दे दिया. एक क्वेश्चन और एक छोटा सा लेता हूं. इसके बाद 2 ट्रांजिस्टर. एक क्वेश्चन ये भी है, सिंपल क्वेश्चन है. इन द सर्किट सोन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, आप देख रहे होंगे अब सारे क्वेश्चंस में बीटा का कोई रोल ही नहीं रह जाता, बस बीटा लार्ज, 100 से बड़ा, काम खत्म. सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हैज ए वेरी हाई वैल्यू ऑफ बीटा. द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ R2 to produce IC बराबर 1 मिली एम्पियर. दिस इज 3 वोल्ट, दिस इज 500 ओम, कलेक्टर रेजिस्टेंस इज नॉट देयर, दैट इज शॉर्ट ब्रांच. यहां एक पोटेंशियल डिवाइडर बन रहा है. दिस इज 2 किलो, दिस इज R2. राइट? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल अब सेक ले सकते हैं, राइट?
अब से क्लियर है ना? यहां पर अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए। सबसे पहले बेस वोल्टेज, यस फाइन 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 फाइन, आईसी है यहां बट नीचे भी क्या होगी? आईसी होगी। क्यों? क्योंकि बीटा क्या बोल रहा है? वेरी हाई। और आईसी का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 1 मिली एम्पियर। तो यहां भी कितना होगा? 1 मिली एम्पियर। हु इज नहीं ममता, गलत है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स। राइट एब्सोल्युटली करेक्ट, गॉट। देखो सबसे पहले डोंट गॉट एनी कंफ्यूजन फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स, दिस शुड बी व्हाट? सेम कलेक्टर करंट ओनली, राइट? वेदर इट इज शॉर्ट नो प्रॉब्लम, करंट शुड बी सेम, राइट? नेक्स्ट, इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट बेस वोल्टेज, दैट बेस वोल्टेज इज नथिंग बट VTH। यस सस्कांत, 3 × R2 डिवाइड बाई 2 + R2, this 2 is nothing but 2k, got it? + R2, koi dikkat? Supply voltage × R2 but this is 2। ab yahan banne wala voltage kya tha? VB, base to emitter voltage। aapko clear ho raha hoga ye wala jo circuit ka part hai। देखो इधर अगर इस सर्किट की हम बात करें तो यहां बनने वाला पोटेंशियल VB है और यहां बेस टू एमीटर वोल्टेज है, तो क्या अपने को एमीटर वोल्टेज नहीं मिल जाएगा? एमीटर वोल्टेज मींस बेस माइनस VB, और अगर बेस वोल्टेज की बात करें तो VE प्लस VB, फाइन। अब बताओ VE का मान कितना होगा? क्या VE का मतलब, इधर देखिए, इस पर फ्लो होने वाली करंट IC इनटू दिस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं सस्कांत? यहां अगर आईसी है तो यहां भी आईसी होगी। एक्चुअल में ये क्या होती थी? आईई, बट आई और आईसी इक्वल है, फाइन। तो इसका मतलब क्या मैं वी को लिख सकता हूं आईई इंटू आर ई प्लस वी बी, और आई का मान है हाउ मच? आईसी मैंने कितना दिया था? 1 मिली एम्पियर, ठीक है। दिस इज 1 मिली एम्पियर इंटू 500 ओम, तो 0.5 किलो ओम कर लो, प्लस 0.7, तो कितना आ गया? 0.5 प्लस 0.7, हाउ मच? 1.2 आ रहा था क्या बेस वोल्टेज? बेस वोल्टेज कितना है? 1.2।
देखो कितने स्टेप लिख डाले स्टूडेंट्स एक लाइन को लिखते समय, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, राइट? डायरेक्टली आपको दिख रहा था, आप वहीं से करेंगे। 1 mA into 500, that is 0.5. यहां 0.5 कब आएगा? जब यहां 1.2 से 0.7 को घटाओगे तभी तो 0.5 आएगा। दिस वोल्टेज शुड बी 1.2, राइट? डायरेक्टली यू कैन आंसर। दीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व, डायरेक्टली यू कैन पुट दीज वैल्यूज। अब हियर आई एम जस्ट गिविंग these values, fine. VB is equal to what? 1.2 is equal to what? VCC. VCC kitna tha? 3 into R2 but a 2K plus R2. This R2 is nothing but 1.33. Hope you got. Clear? Kilo only. Because this is also 2K. Next, अब start करो। अब यहां से इस question को proper start करिए solve करना। यहां से पहला question लेते हैं, जो एक मिनट हो गया, इसमें कोई issue? You can take the screenshot so that we can move further. ठीक है, नेक्स्ट। होप स्टूडेंट्स लिटिल बिट स्लोली स्लोली यू गॉट द मोर कंफर्मेशन, मोर कंफर्मेटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बीजेटी। जितना आप बीजेटी पर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही होगी। थ्योरेटिकल पार्ट फर्स्टली needed 6 to 8 lectures, some patience. After that you got more clarity, right? As questions are passing, अब आप ये नहीं कहते होंगे ऐ ऊपर वाले तूने बीजेटी क्यों बनाया। हाँ, these are the starting lines of BJT. Sorry. If the transistor in figure have high value of beta, and a VB of 0.65, देखो VB फिर बदल दिया, इसका मतलब पक्का है 0.65 कहीं बन रहा होगा, कटेगा, right? According to numerical situation, नहीं दिया होता 0.7, the current I flowing through the 2 kilo ohm resistance will be, लिख लीजिए इसको, पहले लिख लीजिए फिर सर्किट बनाता हूं। सर्किट थोड़ा सा बड़ा होगा साइज वाइज, इसलिए आप पहले इसको लिख लीजिए प्रॉपर। फाइन, देखो सर्किट थोड़ा सा आप अभी पेशेंस रखना। दो ट्रांजिस्टर हमें कनेक्ट करने हैं, यहां 2 किलो ओम है
फिर एक ट्रांजिस्टर है, कास्कोड कनेक्शंस की बात हो रही है यहां पर, अभी कनेक्शन पढ़ाए नहीं इसलिए कनेक्शन का नाम नहीं ले रहे, अभी जस्ट न्यूमेरिकल पर्पस से हम बात कर रहे हैं। दिस इज 6.5 के, फर्दर यहां से ये बेस कनेक्ट है और इसके नीचे एक ट्रांजिस्टर और है, इस पर 1K है। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज 1.85K, वन पॉइंट सिक्स फाइव के, हियर सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट VCC, ये ट्रांजिस्टर Q1 है, दिस इज Q2। पहले ट्रांजिस्टर पर VC1 दिस बनेगा, राइट, और दूसरे वाले ट्रांजिस्टर पर, सॉरी, पहले वाले ट्रांजिस्टर का VE1 दिस है। और आपको क्लियर हो रहा होगा दूसरे ट्रांजिस्टर का VC2 यहां है और VE2 यहां है, राइट, क्वेश्चन में नहीं दिया ये, जस्ट हमने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए बना लिया है। और आईसी आपको पता करना है, नीड दिस आरसी आईसी वैल्यू, 2 किलो ओम पर करंट आपको पता करना है, दिस इज गिवन आईसी, राइट। एक बार आप इसको प्रॉपर बना लीजिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। बना लिया आपने, फाइन, ठीक है। अरे ये VCC तो है स्टूडेंट, ऊपर ना दिखाकर ये नहीं दिखाया 10 वोल्ट, एक ही बात है। अरे लास्ट क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया था, वहां 18 था। देखो इधर, चलो करो स्टार्ट। लिसन, सबसे फर्स्ट सुनो मेरी बात, आराम से सुनना, डोंट गेट एनी हेडेक। There are 2 transistor, 3 transistor, 5 transistor, doesn't matter to us. High value of beta. Beta is very high. That means IB is negligible. Yes, IC equal to I. VB drop 0.65. ये question में दिया है. Right? तो इसका मतलब क्या समझते हो आप? इस पर base current लगभग 0, इस पर बेस करंट लगभग 0, राइट। तो क्या जो करंट यहां होगी, मान लो यहां करंट I1,
वही करंट यहां होगी क्या? वही करंट यहां होगी बोलो, जब बेस करंट लगभग जीरो है। क्लियर? जब बेस करंट लगभग जीरो है तो क्या जो करंट यहां होगी वही करंट यहां होगी, वही करंट यहां होगी, होगी कुछ वैल्यू बेस करंट, बट ऑलमोस्ट हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, वेरी लो, राइट। तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में क्या यहां अगर करंट आईसी है तो यहां भी करंट आईसी होगी, यहां भी करंट आईसी होगी, बोलो। इसका मतलब नीचे वाली ब्रांच में जो करंट मैं आई मान रहा हूं, एक मिनट इसको मैं बाहर दिखाता हूं, आई क्या वही आई करंट आईसी के बराबर हो जाएगी? ये दूसरा ट्रांजिस्टर है तो आईसी टू बराबर आई टू होगा, और ऊपर वाली जो करंट है वो आईसी वन है, राइट, बोलो। अब आप मुझे बताओ इस पॉइंट का वोल्टेज कितना बनेगा, सभी लोग बताना, क्या इसको दूसरे ट्रांजिस्टर का VB2 मान लूं? बोलो, हम अपनी पुरानी एनालिसिस पर चलते हैं, मेरे साथ सोचना आप मैं क्या बोल रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एटलीस्ट यू ऑल आर ट्राइंग, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ऑल्दो इट मे बी रॉन्ग, नो प्रॉब्लम, ऑल्दो अगर कभी गलत भी होता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है मुकेश, आई होप सो परफेक्ट, अब से करेक्ट, बाकी का भी जो आंसर है थोड़ा सा मिसमैच है, करेक्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखो अब मुझे ये बताओ, यहां जो करंट है क्या वही करंट यहां है, क्या वही करंट यहां है? बेस करंट जीरो मतलब ओपन, यहां का कोई मतलब नहीं है, क्लियर, खुलो। तो आप मुझे सोचकर बताइए, इधर देखना, क्या जो करंट यहां होगी वही करंट यहां होगी, वही करंट यहां होगी, राइट। यहां कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम आंसर बता पाए क्योंकि वीसी वन अपने हाथ में नहीं है, लेकिन क्या स्टूडेंट अगर यहां का बेस वोल्टेज पता चल गया, वीबी पता है, तो क्या यहां का वी टू पता चल जाएगा? गॉट इट ब्रजेश जी? तो आप मुझे बताओ वीबी टू क्या हो जाएगा फ्रॉम वोल्टेज डिवाइडर, वीबी टू टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना है? ये 10 वोल्ट, सीधा कर लोगे इसको यहां, दिस इज 10 वोल्ट, जेपी जयप्रकाश, दिस इज 10 वोल्ट, राइट, जीपी साहबाद, यस नॉट रामपुर, वीबी टू इज 10 वोल्ट इंटू कितने का मल्टीप्लाई, दिस 1.65, दिस इज 1.65 के डिवाइडेड बाई, हाँ कितने रजिस्टर अब सीरीज में होंगे, कैन यू प्रिडिक्ट, दिस दिस एंड दिस, या सर्किट अलग से बनाकर बताऊं, वीडीआर लगाना, टोटल वोल्टेज 10, वोल्टेज यहां का पता करना है तो 10 गुणे दिस बटे दिस प्लस दिस प्लस दिस, सीरीज सर्किट होंगे। यस रामबेन, गॉट इट जी? तो आपने तीनों को जोड़ दिया, 6.5 के प्लस 1.85 के प्लस 1.65 के, आपने मेरे को बताया वीबी टू कितना आ गया, तो वीबी टू 10-10 कट गया, दिस इज 1.65 वोल्ट, VB2 is over, और अगर VB2 पता है, अगर VB2 पता है तो क्या स्टूडेंट्स आपको करंट भी पता चल गई? देखिए अब मेरी बात को सुनना, यहां बनने वाला पोटेंशियल प्लस माइनस VBE2 होगा, राइट, आर यू ऑब्जर्विंग माई पॉइंट, This is VB2. This is base to emitter. Yes, Mukesh, correct. Fine. VBE2.
राइट, तो क्या यहां का वोल्टेज हमें पता चल जाएगा? I want to see clarification from your side. चलो नहीं माने आप, जिससे बचना चाह रहे थे वो बना ही देते हैं। मेरी कोशिश थी कि फिर से सर्किट ना बनाया जाए, बट एक बार फिर से ना बने ऐसा हो नहीं सकता, वो भी आपके बैच में। ये रहा राइट, दिस इज 2K। नेक्स्ट वन मोर ट्रांजिस्टर 1K, दिस इज ग्राउंड। क्योंकि इतनी कैलकुलेशन पूछा नहीं है, केवल IC पूछा है तो नॉट रिक्वायर्ड, बट चलो बेस वोल्टेज यहां का पता कर लिया। कितना आया बेस वोल्टेज? 1.65। क्या यहां का भी बेस वोल्टेज पता कर सकते हो? इसका मान VB1 हो जाएगा, राइट? पता नहीं किया, जस्ट मैंने कहा पता कर सकते हैं। और यहां पर VBE2 हो जाएगा, यहां पर VBE1 हो जाएगा, यहां बनने वाला वोल्टेज VC1 है, यहां बनने वाला वोल्टेज VE1 है, यहां बनने वाला वोल्टेज फर्दर VC2 है, और यहां बनने वाला वोल्टेज VE2 है, राइट? ऑब्जर्व दिस, जब स्टूडेंट्स यहां पर, जब यहां पर अपने पास देखो करंट जीरो, तो डायरेक्टली इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज पता कर ले। इस पॉइंट के वोल्टेज को वी कैन से VB1, राइट, और इस पॉइंट के वोल्टेज को VB2। और अगर ये दोनों वोल्टेज पता चल गए तो सब कुछ पता चल गया है, क्लियर? VB1 कितना हो जाएगा अगर निकालना है तो, अदरवाइज अभी रिक्वायर्ड नहीं था। VB1 मींस पोटेंशियल डिवाइडर 10 इंटू किसको किसको जोड़ दें, 1.85 प्लस 1.65, दैट इज 3 ओनली, नहीं 3 पॉइंट समथिंग, डिवाइडेड बाय 6.5 प्लस 1.85 प्लस 1.65, आर यू गॉट इट? 3.5। VB1 यू ऑल कैन चेक, am I correct? VB1 1.85 आ रहा है, this is 1.85, VB1, two people have given 1.85, एक मिनट, 1.85 into plus 1.65, ठीक है, 10 से cancel, this is 3.5 only students। मुकेश, this is 3.5 only, because this 10 and this 10 can cancel। सुमित, हाँ ठीक है, ओके, सो VB1 इज नथिंग बट 3.5। आर यू ऑब्जर्विंग दिस पॉइंट? ब्रजेश क्लियर है यहां तक? अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया अपने पास। अगर आप इस वोल्टेज से 0.65 को घटा दें तो क्या एमीटर का वोल्टेज मिल जाएगा? क्लियर? तो आप क्या कह सकते हो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप बोल सकते हो VBE2 बराबर
Vb2 minus Ve2, और Vbe2 कितना था 0.65, Vb2 कितना था 1.65, तो क्या Ve2 बराबर 1 वोल्ट आ गया। Hope you got my point, isn't it? Now after Ve2, अगर ये पोटेंशियल पता है, ये ग्राउंड पता है, तो क्या स्टूडेंट्स यहां की करंट नहीं आ जाएगी? This is emitter current only, and this Ie2 is nothing but equal to Ic2. Got it? So Ie2 is nothing but, you can check, Ve2 upon Re2. Ve2 is how much? 1 volt. Re2 is 1k. So all students have given me right answer only. Ie2 कितना आया? 1 milliampere. Right? Saskan, are you observing this point? If here 1 milliampere current, so here also 1 milliampere current. So here also 1 milliampere current. Bolo. क्योंकि इस ट्रांजिस्टर के लिए यहां की करंट सेम होगी, और इस ट्रांजिस्टर के लिए जो करंट यहां है वही करंट यहां है, तो क्या 2 किलो ओम पर जो आपसे करंट पूछी गई है वो भी 1 मिली एम्पियर हो जाएगी? दिस इज IC1 ओनली, यस। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है इस फिगर की, हम ऊपर वाले फिगर पर बोल सकते हैं ये बात, IC1 ओनली, राइट। बट मैंने आपको बेस वोल्टेज जानबूझकर बता दिया, क्योंकि किसी ने लिखा है VC1 कैसे कैलकुलेट होगा, हाँ, तो फिर इसलिए VCE1 VCE2 दोनों कैलकुलेट हो जाएगा, नॉट एन इश्यू, यू कैन ऑब्जर्व दिस फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? ठीक है जी, अब बताएं मुझे, क्या स्टूडेंट्स ये 3.5 है, यहां 0.65 है, तो क्या VE1 नहीं पता चल जाएगा? नाउ सी, क्या VE1 और VC2 अलग अलग पॉइंट है? ये दोनों सेम पोटेंशियल, इसका एमीटर और इसका कलेक्टर एक ही बात तो है। पहले वाले ट्रांजिस्टर का एमीटर और दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का कलेक्टर एक ही पॉइंट है। जूम कर लूं, हाँ, पहले का एमिटर वोल्टेज दूसरे का कलेक्टर वोल्टेज सेम पोटेंशियल नहीं है, एक ही लाइन है ये, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्लियर? यस। सो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बराबर VE1, डायरेक्ट लिखता हूं मैं बगल में, यू कैन ऑब्जर्व दिस, VE1 बराबर 3.5 माइनस 0.65, so this is nothing but 2.85. are you observing this point? This is 2.85 VE1, and you can assure VE1 and VC2 are both are same thing. Yes, Sumit. अब तो कुछ भी निकाल लो स्टूडेंट्स, अब सब घर की बात है। VC1 पता करना है अगर, तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, यू कैन कैलकुलेट VC1, राइट। अगर ये पोटेंशियल आपको पता करना है, तो दिस वोल्टेज माइनस दिस पोटेंशियल, तो VC1 कितना हो गया? नहीं, क्वेश्चन ओवर है, क्वेश्चन में केवल करंट पूछा गया था, ये आप लोगों ने लिखा इसलिए मैंने सर्किट फिर से बना दिया। अब एक कोई पूछेगा VCE1, कोई एक दूसरा पूछेगा सर VCE2, तो बेटर है ना कि दोनों ही निकाल दें, काम ओवर करें। तो बताओ VCC बराबर IC1 इंटू RC1 प्लस VC1, राइट। तो VC1 कितना हो गया, VCC कितना था क्वेश्चन में, 10 माइनस IC1 1 मिली एम्पियर,
RC1 2 किलो ओम, तो 10 माइनस 2 हाउ मच 8 वोल्ट, दिस इज नथिंग बट VC1. नाउ VCE1 इज हाउ मच, VC1 माइनस VE1, VC1 8 माइनस VC कितना था, VE1 2.85, यू कैन सजेस्ट 5.15 वोल्ट, दिस इज VCE1. होप यू गॉट इट, राइट. VCE2 कितना हो जाएगा, VC2 माइनस VE2. क्या VC2 आपको पता है, VC2 इज नथिंग बट 2.85, VE2 1 वोल्ट, दिस इज 1.85. ओके, आई गॉट योर पॉइंट, ऑलरेडी यू हैव गिवन द आंसर VCE2 मुकेश एट दैट टाइम, राइट. You are not saying VB2. Correct. VC. No. Sorry. VC. This is 3.5. Sorry. VCE2. Ek minute. VCE2. So VC2 minus V2. हाँ ठीक है. ठीक है. Correct. करेक्ट ऑन, राइट. सोनू हियर दिस इज नॉट गिवेन, बोथ ट्रांजिस्टर्स आर सेम आर नॉट, सो यू शुड कीप इन माइंड इफ डिफरेंट डाटा इज नॉट गिवेन देन यू शुड टेक सेम कंडीशंस. Right? If different data is not given, then you should take same conditions. Fine? It may also take VBE1 separate, VBE2 separate. Fine? Okay. Hope you all are getting this point. Thoda sa aapke liye typical potential divider ke respect mein hai. Rahul, question clear hai yahan tak? Ya achanak se neend se jaage ho? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. देखो बेस करंट जीरो, तो तीनों में सेम करंट, पोटेंशियल डिवाइडर ओनली, यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज पता चल जाएगा. इसके बाद इस सर्किट को ऐसा बना सकते हो जैसा भी बताया था, क्या छोड़ देते हैं IBRB, क्या छोड़ देते हैं IBRB, राइट. और अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आसान है, यहां का वोल्टेज पता है, यहां का वोल्टेज पता है, तो क्या यहां का वोल्टेज नहीं पता चल जाएगा, और फिर दिस पता चल जाएगी करंट, यहां जो करंट होगी वही करंट यहां होगी, वही करंट यहां होगी, राइट. चलो ठीक है, गुड नाइट, सो जाओ, कल मिलते हैं. ठीक है, कल यहीं से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, एक क्वेश्चन और था एक्चुअली में इसका, आज नहीं करा पाया. ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टुमारो विल मीट सेम टाइम. गुड नाइट. अब कल बात होगी, चाय पे चर्चा कल, राइट. फाइन, अरे कल से चलेगी, डोंट वरी, फाइन.